करने के लिए। किशोर का लड़का तो इधर कर्नाटक में शादी हो गया। हाँ, मैंने तो सबको दिखाया भी था, अभी मेरे इस पे चल रहा है वीडियो या मेरे इंस्टा पे चल रहा है, वो आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। अभी ये बैठ के बोल रही है कि शादी भी करेगी और सेटल भी करेगी। वाह रे वाह, और कितने लड़कियों को तू भी फंसाएगी। पहले तो वो क्रिश्चियन लेडी को, मतलब लड़की को, उसके साथ वो घूमा फिरा सब किया, उसके बाद उसको छोड़ने के बाद उसके पास तो पैसे भी एंटी है लाखों के, समझ गई। वो लड़की को भी चुत सी बना दिए। और तो अब भी इधर शादी होने के बाद जब मैंने बोला तो लड़के को ऐसा पकड़ के रखी है तू, थोड़ी तो शर्म कर। किसी एक लड़की की जिंदगी तो बर्बाद मत कर, वो तो कर्नाटक से शादी करके है। और किधर किशोर के लड़के को तू तो कार दिलाने वाली थी, कहीं वो ड्राइविंग पे जाने वाला था, किधर कार दिखी नहीं। क्या क्या शो करती है अक्का। किशोर का लड़का क्या काम करता है ये तो बोल, क्योंकि कितना कमाता है ये तो बोल, क्योंकि तेरे को तो छोड़ के ना तेरा बड़ा लड़का जाएगा यानी तो छोटा लड़का जाएगा, क्योंकि देख उनको तो मेहनत करनी आती नहीं है। एक तो हराम के पैसों में जीने वाले कभी भी मेहनत पे काम करते नहीं है। ड्राइवर का काम, वो काम, ये सब बोली ना, उधर ऑटोमोबाइल से ऐसा जाके यूट्यूब पे बनाने से थोड़ा पैसा ज्यादा आएगा सोच के गई थी, तेरे उधर में परमिशन नहीं मिला तो टाई टाई फिश हो गई तेरी वहां। फिर यहाँ से तू अबूधाबी गई क्या क्या करने के लिए, कोलैबोरेशन करने के लिए, उधर भी तेरी टाई टाई फिश हो गई, क्योंकि झूठ चलता नहीं, सच्चाई सच्ची होता है। तू जो भी बोलती है ना झूठी है ना, तो तेरा तो हर झूठ पकड़ा जाता है। अब रही तेरे दोनों लड़कों का, छोटे लड़के छोटे ब्रोकर को तो अभी बोलना है भाई, देखो वो तो काम पे लग गया। मैंने बोला ना उस दिन ही बोला, ये अभी अभी नया काम इसका जो माँ का काम था वही तो बोली ना, मेरा बेटा संभालेगा, मैं अभी घर पे बैठ के बिजनेस संभालूंगी, तो अच्छा है ना। वो तो स्टार्ट भी कर दिया जब ये अभी गया था, अभी वही काम में बिजी है, नया नया काम सीखा होगा ना तो बिजी है। तो कौन से काम में बिजी है ये थोड़ा बोल, किधर गया है वो, किस किस के साथ गया है वो भी बोल दे। लोन नहीं मिला तेरे को कार पे क्या, इतने शाम से बोल रही थी कि मैं मेरे बेटों के लिए ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, इतना दिन लगता है लोन लेने में, तेरे को तो महीने महीने लग गए, अभी तक ना तो लोन मिला ना तो कार आई, कुछ भी नहीं, सिर्फ वक्त तेरो बैठ के वीडियो बना तेरो। अभी तो तेरे को सिखा दिया ना छोटे लड़के ने खुद वीडियो भी बनाने के लिए, एडिटिंग भी बनाने के लिए, क्योंकि देख तो वो तो अभी बिजी हो जाएगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। कहते हैं एक औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, पर वो औरत जो ये कहती है कि मेरे खुद के हालात ख़राब हैं और मैं आज यहाँ से मतलब इस लेवल से उस लेवल तक किस तरह से पहुँची हूँ, और जो इंसान तकलीफ़ें और परेशानियाँ देखता है, जो इंसान खुद सिंगल होने के बाद और जो इंसान के सर पर जब आदमी का साया नहीं रहता, जो इंसान 15 साल तक बिन आदमी के रहता है, फिर उसके बाद वो इंसान एक औरत होने के बाद, जी हाँ यहाँ पर मैं अपनी चमकीली खाला के बारे में बात कर रही हूँ, जो चीज़ से हमारी चमकीली खाला गुजर चुकी हैं, जिस चीज़ को हमारी चमकीली खाला फेस कर चुकी हैं, फिर उसके बाद हमारी चमकीली खाला किसी और लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं, किसी और लड़की की ज़िंदगी कैसे बर्बाद कर सकती हैं, जब उनके बेटे की फाइनली शादी हो चुकी है तो फिर वापस से वो अपने बेटे की शादी करने की बात किस तरह से कर सकती। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मैं हूँ आपकी मेज़बान नाज़िश खान और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नूर रिएक्शन ब्लॉग। जैसे कि आपको मैंने एक ऑडियो सुनवा भी दी, ऑडियो सुनने के बाद आप सोच भी रहे होंगे कि ये किशोर का बेटा कौन है और किशोर का बेटा अब इस बारे में किशोर के बेटे की क्या कड़ी आई है, तो मैं बता दूं किशोर का बेटा जो है चमकीली खाला का बड़ा वाला बेटा है, क्योंकि अभी पिछले दिनों में जब इस बात का बहुत ज़्यादा मतलब बात उड़ रही थी और बात फैल रही थी, तो हमारी चमकीली खाला इस हद तक परेशान हो चुकी थी, इस हद तक हमारी चमकीली खाला जवाब देते देते थक चुकी थी, क्योंकि वो अपने हर झूठ का, अपनी हर एक बात का जवाब
झूठ में ही दे रही थी, जो पब्लिक सच्ची उनसे पूछना चाहती थी वो उसका हर एक बात का झूठ में ही जवाब दे रही थी। वो चाहे उनके निकाह नामे का सच हो, वो चाहे उनका दुबई जाने का सच हो, वो चाहे उनके हस्बैंड की लड़ाई का सच हो, वो चाहे रेहाना खान बॉस के 15 लाख रुपयों का मैटर हो, पर जिसका भी जवाब दिया गया बहुत समझदारी के साथ, झूठ के साथ जवाब दिया गया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? अब जैसे कि आप सब ने देखा होगा कि आजकल इनका छोटा बेटा जो है मोगली, गोलू जिसे ये कहती हैं, वो गोलू जो है इनका बेटा आजकल किसी भी वीडियो में नजर नहीं आ रहा है, किसी भी वीडियो में जो है वो गोलू दिख नहीं रहा है। उसका एक ही रीज़न है कि गोलू जो है अपनी माँ के साथ लड़ाई करके घर से जा चुका है, या फिर जो FIR हमारी चमकीली खाला के खिलाफ हुई है और किसने की है ये मैं आपको अपनी कल की वीडियो में बताऊंगी। तो ऐसा भी हो सकता है कि गोलू उस काम के लिए गया हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है जो काम हमारी चमकीली खाला करती थी, जिस काम को पहले हमारी चमकीली खाला अंजाम देती थी, और जैसा कि आपने उनके पिछले ब्लॉग और वीडियो में देखा भी होगा कि हमारी चमकीली खाला कह रही थी कि मैं अब अपनी जगह अपने बेटों को देखना चाहती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं जो फीलिंग उनके दिल में गोलू को लेकर है, वो फीलिंग उनके दिल में अपने बड़े बेटे को लेकर नहीं है, जिसके ऊपर वो ये कहती हैं कि पब्लिक मेरी इस बात को भी ट्रॉल करती है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, चमकीली खाला पब्लिक जो देखती है वही सवाल आपसे करती है। जो बात पब्लिक ये माना कि अगर आपको 7 लाख लोग देख रहे हैं, आपको 1 लाख लोग देख रहे हैं, तो उसमें से अल्लाह पाक ने 50,000 लोग ऐसे हैं जो अपने ब्लॉगर के अंदर, अपने यूट्यूबर के अंदर हर एक उस चीज़ को बारीकी से देखते हैं, जो कि वीडियो बनाने के बाद मुझे ऐसे जाने कितने यूट्यूबर ये बात सोच भी नहीं सकते कि अगर पब्लिक हमें वॉच कर रही है, इसमें से वॉच करने वाले हमें कुछ हमारे इस तरह के भाई बहन हैं जो कि हमें इतनी बारीकी से वॉच करेंगे। क्योंकि जब एक ब्लॉगर को उसका सब्सक्राइबर, उसका व्यूवर्स देखता है, तो ये लगा लीजिए कि ये ब्लॉगर के लिए काबिले तारीफ वाली बात है। जितने लोग उसे पसंद करते हैं, जितने लोग उसे मशवरा देते हैं, तो ये भी एक ये भी बात जाहिर करती है कि आप एक ब्लॉगर की अपने व्यूवर्स की ज़िंदगी में कितनी अहमियत है। पर आपने अपने 7 लाख व्यूवर्स को बेवकूफ़ बनाया। जब ये मुद्दा उठा कि आपके बड़े बेटे की शादी हो गई और आपका बेटा जो है मैरिड है, आपने किस तरह से कहने वालों के ऊपर ऐब लगाए, किस तरह से आपने कहने वालों के ऊपर इल्ज़ाम फरोशी की, किस तरह से आपने उन्हें केस देकर चुप खामोश बैठने तक की धमकी दी, जबकि ये बात सच हो सकता है इन फ्यूचर हमारी चमकीली खाला जो है शायद दादी भी बन जाए, और दादी दादा ये दोनों बन जाएं, जो कि दादी दादा बनने से पहले ही ये पब्लिक को गोल गोल घुमा रही हैं, पब्लिक का यूज़ कर रही हैं। अब जब इनका बेटा पहले से मैरिड है, इनके बेटे की पहले से शादी हो चुकी है, तो मैं अपनी चमकीली खाला से एक सवाल ये करना चाहती हूँ कि खाला आप उस लड़की की ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो जो कि आपके बेटे की ज़िंदगी में पहले से आ चुकी है, और शायद इस बात को 6-7 महीने हो चुकी हैं। तो फिर आप ये एक औरत होकर, क्योंकि पब्लिक हमसे बहुत सवाल करती है कि आप एक औरत होकर दूसरी औरत के बारे में ऐसा कैसे कर सकते हो, तो फिर आप उस लड़की के साथ, उस बिचारी जो मासूम लड़की है जो कि आपका बेटा उसके साथ शादी कर चुका है, तो फिर आप चमकीली खाला उस लड़की के साथ इतना बुरा कैसे करवा सकती हो, जो कि एक शादी के बाद जब एक लड़की आती है तो अपना पूरा घर परिवार छोड़कर आती है। क्यों? क्योंकि उसके हस्बैंड का घर, उसके शौहर का घर, उसके पति का घर ही उसकी आरामगाह होती है, जो जहाँ पर जाने के बाद उसे सोसाइटी में उसके हस्बैंड के नाम से जाना जाता है। तो फिर हमारी चमकीली खाला आप ऐसा क्यों कर रही हो उस लड़की के साथ? कम से कम कुछ तो लिहाज करें। माना आपने पराई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद की, क्योंकि आपकी अपनी खुद की बेटी तो नहीं है, जिस बात का आपको ज़रा भी अफसोस नहीं होता, ना ही आपको इस बात का एहसास करते हुए देखा गया है। जितना आप मोगली मोगली करती हैं, जितना आप गोलू गोलू करती हैं, कभी मैंने आपके मुँह पर इतना शिकवा और इतनी बात कभी कि मेरे बेटी नहीं है, इस बात का अफसोस आपके चेहरे पर नहीं देखा। पर अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है, मालिक का एहसान है कि उसने हमारी चमकीली खाला को जो है वो लड़की नहीं दी।
वरना हो सकता है कि बोती है और काटती बिचारी वो बच्ची नाहक में गुनहगार बनती, और क्या पता जो परवरिश इनकी इनके गोलू के ऊपर असर कर रही है वही परवरिश इनकी बेटी के ऊपर भी असर करती। तो कम से कम उस लड़की के बारे में चमकीली खाला को थोड़ा सा सोचिए, एक औरत बनकर मत सोचिए, एक माँ बनकर मत सोचिए, कम से कम एक इंसान बनकर सोचिए कि वो लड़की मेरे लड़के के लिए किस हद तक चली गई और किस बात तक चली गई। तो कम से कम थोड़ा तो खुदा का खौफ करिए। अब मैं यहाँ पर सारी बातें बयान तो कर नहीं सकती हूँ। और दूसरी बात ये कि अब जो इस ये चमकीली खाला की ज़िंदगी में जो बात साबित हुई है कि ये इकबाल चमकीली खाला की लिए, मैंने एक बार इकबाल का जिक्र किया था अपनी वीडियो में और मैंने चमकीली खाला से ये भी पूछा था कि सैयद शेख कौन है, शबनम शेख कौन है, तो हमारी चमकीली खाला को जो है इस बात से बहुत ज़्यादा मिर्चियाँ लगी थी और बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी उन्होंने मेरे साथ की थी और बहुत ज़्यादा बुरा भला मेरे साथ बोला था। पर कहती है ना कि अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, जब उसकी लाठी टूटती है तो वो बेआवाज़ होती है। आज आप देख लीजिए आप और आपका चैनल किस मुकाम पर है, आपके झूठ ने आज आपको कहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया, आपका फरेब आज आपको कहाँ लिए खड़ा है, आपकी बातों ने आपको अपनी ही जाल में उलझा दिया है। आप ये सोचती हैं कि अगर मैंने वापस से सवालों के जवाब देने शुरू किए तो ऐसा ना हो कि मैं फिर से उलझ जाऊँ, फिर से मेरी कोई नई बात खुलकर सामने आ जाए, फिर से कभी मेरा अजमेर की बात, कभी मेरी दुबई लड़कियां सप्लाई करने की बात, कभी 15 लाख रुपयों की बात। क्यों? क्योंकि 15 लाख रुपये तो अब आप देंगी नहीं, ना ही आप देंगी और ना ही वो दूसरा इंसान 15 लाख रुपये देगा, क्योंकि आपसे कहो तो आप कहती हैं कि मेरे मर्द से लो और मर्द से कहो तो वो कहता है मेरी औरत से लो। तो जिसके भी 15 लाख रुपये हैं बेवकूफ़ तो वही बना है। क्यों? क्योंकि उसने आप पर यकीन किया, आपके 15 लाख रुपये, 15 लाख रुपये की रकम कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती, कोई कम अमाउंट नहीं होता, बहुत ज़्यादा अमाउंट होता है, जिसकी वजह से आप लोगों ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली। और खामोशी इख्तियार करने के बाद ना तो आपने पिछली किसी बात का कोई जवाब दिया, ना आपने उन 15 लाख रुपयों का जवाब दिया। और देखिए आप ये कहती हैं कि अल्लाह मुझे इतनी हयाती दे कि मैं अपने अच्छे काम अपने बच्चों को सिखा कर जाऊँ, तो तौबा नाऊज़ बिल्ला, जो आपने किया है वही आप अपने बच्चों को सिखा रही हैं। और सच में मोगली के ऊपर तो आपकी परवरिश जो है वो सर चढ़कर बोलती है। कहते हैं नहीं कि इश्क का जादू सर चढ़कर बोलता है, पर मोगली जो है जो ही मम्मी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो, तो उसके ऊपर तो वाकई आपकी परवरिश जो है वो सर चढ़कर बोल रही है। पर आपका बड़ा बेटा जो है वाकई वो इनोसेंट है, वो उसकी ज़िंदगी है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। पर मैं यहाँ पर उससे ये कहना चाहती हूँ कि आज तक अपने हक के लिए आवाज़ उठाई ना उठाई, पर कम से कम उस लड़की के लिए तो आवाज़ उठाओ जो आपकी ज़िंदगी में है, जिसने आपको अपना सब कुछ दे दिया, जिसने आपको अपना सब कुछ मान लिया, कम से कम उसके ऊपर तो जवाब उठाओ। जब बुढ़ापे में हमारी चमकीली खाला को हस्बैंड की ज़रूरत पड़ सकती है, जब वो अपने बुढ़ापे का ठिकाना देख सकती हैं, जब वो अपने बुढ़ापे के लिए इतना सोच सकती हैं, तो फिर आप अपने लिए और उस लड़की के लिए क्यों नहीं सोच सकते। और एक बात और, ये जितनी भी लड़ाई थी, जितना भी सारा फड्डा था, इन लोगों का बेफजूल का फड्डा था। क्यों? क्योंकि इन लोगों के बीच में जो कुछ भी था वो सिर्फ 15 लाख रुपयों के लिए था, जिससे कि ये बॉस का दिमाग जो है और पब्लिक का दिमाग जो है वो डाइवर्ट करना चाहते थे, जो कि अपने डाइवर्ट करने में पब्लिक का भी और बॉस का भी दिमाग जो है ये कामयाब हो गए। पर अगर ये ऐसा सोच रहे हैं और ऐसा समझ रहे हैं तो सच बता रही हूँ कि अल्लाह की लानत, आज इनकी ज़िंदगी देख लीजिए कहाँ खड़ी थी और कहाँ पहुँच गई। ये एक सोचने वाली बात है कि कल इनकी ज़िंदगी कहाँ थी और आज इनकी ज़िंदगी कहाँ पर है। और ये सोच रही हैं कि हमारी ज़िंदगी तो चल रही है, इसे ज़िंदगी कुछ चलना नहीं कहती है कि बेटा इकबाल के ऊपर घर छोड़कर चला जाए और माँ कहे कि मेरा बेटा कॉलेज जा रहा है, मेरा बेटा काम पर जा रहा है, तो बेटा वापस तो आता है, या फिर सारा दिन 24 घंटे जब से वो गया है घर वापस ही नहीं आया, जो उसकी हल्की सी झलक भी देखने नहीं मिली। जब मोगली घर छोड़कर चला गया, मोगली घर से भाग गया, तो आपको अपना बड़ा बेटा याद आने लगा, उस बच्चे के साथ आप अपने झूठे प्यार का नाटक करने लगी। कल भी तो वही बच्चा था जो आप उसी बच्चे के मुंह पर खड़े होकर कहती थी कि मेरा गोलू जो है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, मेरा गोलू जो है मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। हद है आपसे कि आप अगर गेम खेलने पर आती हैं तो अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती। वाकई आप दोनों की जोड़ी जो है परफेक्ट थी। पता नहीं कैसे आपने अपने इतने इतने दिमाग चलाकर लोगों को आज तक आपने एड़ा ही बनाया है, लोगों को आप पोपट ही बना रही हैं, लोगों को आप बहकाई रही हैं, लोगों को आज तक आपने झूठ ही दिखाया है। पसंद आए लाइक करें, नहीं पसंद आए मेरी वीडियो को डिसलाइक करें।
चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। बैड कमेंट्स करने वालों दिल खोल कर कहना। अल्लाह हाफिज़।